नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड पे आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं टू व्हीलर बाइक का एडेप्ट रिपेयरिंग के बारे में। जो एडेप्टर है टू व्हीलर बाइक में, 48 वोल्ट या 60 वोल्ट का एडेप्टर आता है, वो रिपेयरिंग के बारे में कैसे रिपेयरिंग आसान से आप कर सकते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये एडेप्टर है टू व्हीलर बाइक का। ये यहाँ से एसी 48 या 60 वोल्ट का एडेप्टर ज़्यादातर आते हैं, इसको कैसे रिपेयरिंग किया जाता है इसको हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये 220 वोल्ट की केबल है, 220 वोल्ट यहाँ पर देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं ये एडेप्टर है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ फ्यूज होता है, ये फ्यूज होता है 3 एम्पियर का, ये चेक करना हुआ होता है। दोस्तों, इसमें फ्यूज खराब है, मैंने नीचे जम्पर लगा कर देख चेक किया है। तो दोस्तों, इसमें ये मॉस्फेट होता है, ये 10N60 वाट का। तो दोस्तों, ये मॉस्फेट खराब है इसमें। दोस्तों, मॉस्फेट आगे लोड पड़ने से ये ख़राब हो जाते हैं। ये जो गेट्स हैं, इसको मॉस्फेट को प्लस मिलती है इन आईसी से, तो ये आईसी ख़राब होगी इसमें। तो दोस्तों, आईसी यहाँ पर इसके नंबर भी कटे हुए हैं, आईसी मिलती नहीं है। तो आपको एक मॉड्यूल सप्लाई इसमें लगती है, आपको बताएँगे। फिर इसमें आपको सबसे पहले आपको बताते हैं वोल्ट ज़्यादा आने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। वोल्ट ज़्यादा आने से सबसे पहले ये कैपेसिटर फुला हुआ होता है, तो वोल्ट ज़्यादा आने से ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो कैपेसिटर आपको लगाना होता है 100 MFD, 450 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, और ये रेक्टिफायर होता है। दोस्तों, आसानी से बाज़ार में मिल जाता है रेक्टिफायर, पर इसमें वोल्ट ज़्यादा आने से प्रॉब्लम नहीं है। वोल्ट ज़्यादा आने से सिर्फ ये दो आइटम ही ख़राब होते हैं, ये रेक्टिफायर और ये कैपेसिटर और ये फ्यूज। तो दोस्तों, ये सही है, इसका कैपेसिटर सही है, ये रेक्टिफायर भी सही है, मीटर से मैंने चेक कर लिए। अब दोस्तों, इसमें ये मॉस्फेट ख़राब होता है, किसी कारण से मॉस्फेट ख़राब हो जाता है। जो ये प्लस, इनको मॉस्फेट को प्लस आईसी से मिलता है, ये आईसी प्लस इनको देती नहीं है, कम ज़्यादा दे देती है, तो ये ख़राब हो जाता है। तो मॉस्फेट ख़राब, मॉस्फेट लगाने से ये मॉस्फेट मैंने लगाया फिर भी ये सेट चालू नहीं हुआ, क्योंकि इसी आईसी ख़राब हो गई है। यह रेजिस्टेंसें भी जली हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने हटा दिए, ये भी रेजिस्टेंसें जली हुई है। ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस हैं, इनकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है, दिख नहीं रही है। आईसी भी यहाँ फटी हुई दिख रही है। तो दोस्तों, इसके रिपेयरिंग करने का एक आसान तरीका आपको टिप्स बताते हैं। तो ये मार्केट में मॉड्यूल सप्लाई मिलती है दोस्तों, ये 24 वोल्ट के एडेप्टर्स के ऊपर के में लगाई जाती है, 24 वोल्ट से कम में लगाई जाती है, वो अलग एक मॉड्यूल सप्लाई होती है। तो दोस्तों, ये पावर सप्लाई है, जो 29 वोल्ट से ऊपर के किसी भी एडेप्टर में आप लगा कर ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 3 वायर लगे हुए होते हैं, ये हरा वाला वायर होता है, इसको आप हटाना हुआ होता है, यहाँ से कट करना हुआ होता है। जैसे इसे ये मैंने इसमें ये मॉड्यूल सप्लाई बाहर निकाल लिए, तो इसमें अंदर लगानी पड़ती है, ऐसे सेट होते नहीं इसके अंदर। तो दोस्तों, इसमें ये हरा वाला वायर मैंने हटा दिया है। फिर दोस्तों, ये लाल वाला वायर होता है, तो इसकी बीच वाली पोल पे लगाना हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर 300 के लमसम वोल्ट आते हैं, मीटर से आप चेक कर सकते हैं। डीसी 300 वोल्ट यहाँ पर आएगी बिजली पोल पे, मीटर से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी आपको बताते हैं पावर ऑन करके। दोस्तों, मैंने ये बारीक फ्यूज लगा दिया पहले, फिर आपको बताते हैं यहाँ पर वोल्ट कितना आते हैं। अभी मीटर से आपको चेक करवाते हैं, मीटर को डीसी 1000 वोल्ट पे आपको करना है। फिर दोस्तों, ये होता है माइनस कैपेसिटर का, तो बीच वाली पोल पे अभी आपको दिखाते हैं, बराबर ये वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों, 350। तो दोस्तों, आप ऐसे चेक करके फिर आपको ये एडेप्ट पिन को जिक बाहर निकालना होता है। फिर दोस्तों, पावर मॉड्यूल सप्लाई लगाने से पहले कैपेसिटर होता है, ये इसको डिचार्ज कर लें, ऐसे डिस्चार्ज करने के बाद में ये बीच वाला वायर होता है जो मॉड्यूल सप्लाई का, ये मैंने यहाँ इसके कवर से बाहर निकाली हुई है। तो ये लाल वाला वायर होता है, तो ये बीच वाली पोल पे लगाना हुआ होता है आपको। हाँ, ऊपर से भी लगा सकते हैं, तो नीचे से भी आप ऐसे लगा सकते हैं। आपको नीचे से लगा के आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये होता है इसका माइनस कैपेसिटर का। आप कैपेसिटर पर सीधे माइनस पे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी लगा सकते हैं।
450 वोल्ट कैपेसिटर माइनस पे ही है वायर है, आप सीधे यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो बीच वाला प्लस है। ये जो इसमें एस एम पी एस होता है इसमें जाता है, बीच वाले 300 आप वोल्ट यहाँ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इसको पावर देने से आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये सेट ऑन हो गए हैं, फिर दोस्तों इसको पावर मॉड्यूल सप्लाई को हीटसिंक पर लगाना हुआ होता है, ये हीटसिंक यहाँ को खोल के इधर लगानी हुई होती है। दोस्तों ये हीटसिंक यहाँ से हटा करके इधर आप लगा सकते हैं, या इसके अंदर जगह नहीं हो तो ये जो इसमें जो मॉस्फेट लगा हुआ है इसको निकाल के तीन वायर जोड़ के यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी फिर दोस्तों ये कैपेसिटर दिया हुआ होता है यहाँ पे 100 वोल्ट 220 UF 100 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको वोल्ट मापने होते हैं, कितने वोल्ट से आपको, ये मीटर में आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें 51-52 वोल्ट डीसी आ रहे हैं, और ये लाइटें भी लग रही है। आप जितने वायर ये यहाँ पर एक प्रीसेट होता है, इसको धीरे धीरे बहुत धीरे से घुमा के वोल्ट आप बढ़ा सकते हैं, जितने वोल्ट है 48 वोल्ट करना 48 वोल्ट कर सकते हैं, जो 60 वोल्ट का ये एडेप्टर है आप यहाँ से धीरे से घुमा के ऐसे 60 वोल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।